नमस्कार, आज हम बात करेंगे वास्तुसर्जन लेसन। अपना वास्तुसर्जन जो अध्याय चल रहा है, लेसन चल रहा है, वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपन इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। सबसे पहले कुछ न्यू टाइप क्वेश्चन है जिनकी अपन बात करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्न किस अंग से वास्तुसर्जन नहीं होता है। पहला क्वेश्चन कौन सा है, निम्न किस अंग से वास्तुसर्जन नहीं होता है। चार ऑप्शन है, पहला है पर्ण, दूसरा है तना, तीसरा है जड़ और चौथा ऑप्शन है कच्चे। यदि आपने वास्तुसर्जन अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आपने परिभाषा में देखा होगा कि वास्तुसर्जन की परिभाषा क्या थी, जड़ के अलावा पादप के अन्य भागों से। इसमें ऑप्शन क्या होगा, निम्न किस अंग से वास्तुसर्जन नहीं होता, तो कौन से अंग से नहीं होता, जड़ के द्वारा। क्यों, क्योंकि पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा रंध्र कहां मिलते हैं पत्तियों में, तने में भी क्या होते हैं वात रंध्र पाए जाते हैं। इस कारण में क्या होता है वास्तुसर्जन होता है। कच्चे कणों के जो त्वचा होती है उसमें भी क्या पाए जाते हैं वात रंध्र पाए जाते हैं। अर्थात पत्तियों से कौन सा वास्तुसर्जन हो गया, रंध्रीय वास्तुसर्जन, तने से कौन सा हो गया वात रंध्रीय वास्तुसर्जन, कच्चे कणों से कौन सा हो गया वात रंध्रीय वास्तुसर्जन। तो क्यों से दूसरा क्वेश्चन है, सर्वाधिक मात्रा में वास्तुसर्जन किसके द्वारा होता है। अपन ने वास्तुसर्जन तीन प्रकार का पढ़ा, रंध्रीय, उपत्वचीय और वात रंध्रीय। तो सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा। कितना होता है, लगभग 50 से 97% को किससे होता है, रंध्रों के द्वारा। वात रंध्रों के द्वारा कितना होता है, 0.1%। जल रंध्रों से क्या होता है, बिंदु स्राव की प्रक्रिया, गटेशन। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। सर्वाधिक मात्रा में वास्तुसर्जन होता है इसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा। कितना, 97%। वात रंध्रों के द्वारा कितना हो रहा है, 0.1%। और जल रंध्रों के द्वारा कौन सी प्रक्रिया होती है, बिंदु स्राव की प्रक्रिया होती है, इससे वास्तुसर्जन नहीं होता है। अपने एक इसमें रह जाता उपत्वचीय जिसके द्वारा होता था 3 से 10% वास्तुसर्जन। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल रंध्र पाए जाते हैं, जल रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, पर्ण तट पर, पत्ती की ऊपरी सतह पर, पत्ती की निचली सतह पर और छाल पे। तीसरा क्वेश्चन हो गया अपने, जल रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, जल रंध्र किसके लिए काम कर रहे थे, जल रंध्रों के द्वारा कौन सी प्रक्रिया हुई थी, बिंदु स्राव। जल रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, जो अपने किनारे होते हैं, पर्ण यानी लीफ, तट यानी किनारे। तो पत्तियों के जो किनारे थे अपने, ये है पर्ण, इसमें क्या है, ये है स्याही। यहाँ पे जो रंध्र पाए जाते हैं इन रंध्रों को क्या कहते हैं, जल रंध्र। तो जल रंध्र कहाँ मिलेंगे, पर्ण तट पर, पत्तियों के किनारों पर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पौधों में बिंदु स्राव की क्रिया में निकलने वाला द्रव होता है। जो बिंदु स्राव गटेशन की प्रक्रिया होती है उसमें जो पानी निकलता है, स्रावित होता है, वो कैसा होता है, शुद्ध जल होता है, नहीं होता है, केवल सभी पदार्थ होते हैं, नहीं होते हैं, जल और CO2 होता है, ये भी नहीं होता है, क्या बचा, जल के
एस्पार्टिक एसिड, सुगर, सॉल्ट, ये इनका मिश्रण पाया जाता है। ये कुछ क्वेश्चन है जो अपने न्यूमेरिकल के। इसके अलावा जैसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अपने हैं रूट प्रेशर। रूट प्रेशर मूल दाब, मूल दाब, मूल दाब को मापने की जो अपने उपकरण आता है वो कौन सा उपकरण है? मैनोमीटर। मैनोमीटर के द्वारा क्या मेजर किया जाता है? मूल दाब। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं मूल दाब को मापने के या मेजर करने का उपकरण कौन सा है, तो क्या हो जाएगा? मैनोमीटर। पूछा जाए वाष्पोत्सर्जन मापने का उपकरण कौन सा, तो पोटीमीटर। ये तो हो गए अपने न्यूमेरिकल के क्वेश्चन। या इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे अपने जो द्वार कोशिकाएं होती है वो किस आकृति की होती है, एक बीज पत्री में कैसी होती है, द्विबीज पत्री में कैसी होती है, या जो अपने रंध्रों की गति की जो अपने क्रिया विधि के जो मैकेनिज्म पढ़े, जो थ्योरिया पढ़ी है वो किस किस ने थ्योरी दी है, सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, ये सभी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद में अपन तैयार करेंगे लघुत्रात्मक क्वेश्चन जो कि एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपने अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन अपने वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है? वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का हो गया? तीन प्रकार का हो गया। कौन कौन सा? रंध्रीय, उपतौचीय और तीसरा वात रंध्रीय। स्टोमेटल, क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर। कितना हो गया? तीन प्रकार का होता है, रंध्रीय, उपतौचीय और वात रंध्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन किस प्रक्रिया से और कितना होता है? सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन किस प्रक्रिया से होता है? रंध्रीय के द्वारा कितना होता है? 50 से 97%। उपतौचीय के द्वारा कितना होता है? 3 से 10%। वात रंध्रीय के द्वारा 0.1%। कितना हो गया आंसर? क्या हो गया? सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन किस क्रिया से होता है? तो किस क्रिया से होता है? रंध्रीय क्रिया के द्वारा। कितना होता है? 50 से 97% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द्वार कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है? तो द्वार कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है? अपने चलते हैं मोनोकोट, डाइकोट। मोनोकोट प्लांट में तो कैसी होती है? डंबल शेप। और जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनमें कैसी होती है? किडनी शेप की, या इसी को बोल सकते हैं अपन बीन आकृति की। मोनोकोट में तो कैसी हो गई? डंबल आकृति की या डंबलाकार आकृति की। और द्विबीजपत्री पादपों में कैसी हो गई? किडनी के आकार की।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? मामा मूरे ने। किसने किया था? मामा मूरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने, यदि पूछ लिया जाए कि इसमें सुधार किसने किया था, तो किसने किया था? लेविट नामक वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत में सुधार किया था। और सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? सक्रिय आयन सिद्धांत। इस सिद्धांत के द्वारा क्या होता है, जब पोटेशियम आयन प्रवेश करता है तब क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूव हो जाता है और ये क्या कर लेता है, पोटेशियम मेलेट का निर्माण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाष्पोत्सर्जन का कोई एक लाभ बताइए। तो वाष्पोत्सर्जन के अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़े थे महत्व और दूसरा उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे मुख्य वाष्पोत्सर्जन का लाभ क्या था? रसारोहण, रसारोहण में मदद करना, असेंट ऑफ शेप। क्या था इसके अनुसार? रसारोहण क्या होता था, यानी कि जल का, पानी का जड़ों से पादप के शीर्ष भाग तक पहुंचना, उस प्रक्रिया को क्या बोल रहे थे? रसारोहण। ये कब होता है? जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है पादपों में, तब क्या होता है, जैसे मान लो ये पादप है, ये इसकी जड़ें हैं, यहाँ पे पत्तियाँ हैं, शाखाएँ हैं, जब पर्ण से यहाँ शीर्ष भाग से वाष्पोत्सर्जन हो जाता है तब यहाँ पे एक दाब या उत्पन्न होता है जिसको क्या बोल रहे हैं, वाष्पोत्सर्जन दाब या खिंचाव। इसके कारण क्या होता है, यहाँ से पानी शीर्ष भाग तक पहुँच जाता है, उसी को क्या बोल रहे हैं, रसारोहण की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता अपना, स्टोमेटा के खुलने के समय द्वार कोशिकाओं की स्थिति क्या होती है? तो द्वार कोशिकाएं कैसी होती है? स्लत अवस्था में। और जब स्पित अवस्था में होती है तब तो क्या होती है, ओपन होते हैं रंध्र। जब टर्जिड अवस्था में होती है तब तो रंध्र क्या होते हैं, ओपन होते हैं। और स्लत अवस्था में क्या होते हैं, बंद रहते हैं। ये अपने कुछ महत्वपूर्ण अति लघुतरात्मक क्वेश्चन हैं। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं लघुतरात्मक क्वेश्चन।